कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को भड़काने में सबसे बड़ा हाथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत का है। आंदोलनकारी किसान आंदोलन खत्म करना भी चाहते हैं, तो टिकैत अपने राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन को बार बार हवा दे रहे हैं। टिकैत विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में है, इसीलिए आए दिन टिकैत किसानों की बात छोड़कर राजनीति करते हैं। पिछले दिनों टिकैत को गांधी परिवार अच्छे लगने लगे थे, उन्होंने राहुल से लेकर सोनिया और प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की थी। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, टिकैत की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। इस बार तो उन्होंने हद पार करते हुए बीजेपी को दिमागी बुखार कहा है। टिकैत ने कहा कि बीजेपी दिमागी बुखार जैसी है, किसान उनका इलाज करने के लिए दिल्ली से सटी सीमाओं पर बैठे हैं। जैसे दवाई उन्हें बंगाल में दी गई, वैसी ही दवाई हर जगह दी जाएगी, 3 साल में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल से विकास रुका हुआ है, पिछली सरकारों ने जो संपत्तियां और संस्थान बनाए थे ये सरकार उसे बेच रही है, केंद्र सरकार तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है। टिकैत ने आगे कहा कि किसान पिछले 10 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, वो अब पक चुके हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन तीनों कानूनों की वापसी के बिना किसान लौटेंगे नहीं। राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि किसान बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त के साथ बातचीत नहीं होगी। उधर भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि धर्म की अफीम चाटने से देश नहीं चलता। दरअसल आंदोलनकारी नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, यही वजह है कि टिकैत विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब आंदोलनकारी नेता ने खुलकर बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला किया हो। टिकैत बार बार बीजेपी और केंद्र सरकार पर कोई न कोई आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि वो कृषि बिल वापस नहीं लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।